अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी FM न्यूज़ TV HD और मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल पाकिस्तानी चैम्पियन बुली कुत्ता बादल। और ये जी बड़े मशहूर शिकारी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी। अल्लाह दिता लकी पाक शहनशाह ग्रुप है जी, पाक शहनशाह ग्रुप है। और इनके जी डॉग एक्सपायर हुए हैं 2 से 3 इसी एक माह के अंदर अंदर। हम आए जी अल्लाह दिता भाई से अफसोस करने के लिए, हमने कहा जी आपको अल्लाह दिता भाई का दूसरा डॉग भी दिखाते हैं, शौक कराते हैं और जानेंगे अल्लाह दिता भाई से कि हुआ क्या है। हमारे साथ हैं रफाकत म्यू जो हमेशा मेरे साथ होते हैं। और लकी साहब ये क्या करने लगे हैं? अच्छा, तो फीड नाल ही तो बीमारी आ रही है। म्यू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे नाज़रीन को भी सलाम कर दें जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी सारे भाइयों। तो डॉग कैसा लगा ये अल्लाह दिता भाई का? अच्छा डॉग है, रंग प्यारा है। इसके डॉग क्यों मर जाते हैं अल्लाह दिता भाई के? अच्छा, हमने आज नया नाम रखा है इसका कोई? हाँ जी ये तो नहीं, आप बता दें यार। नहीं बता दें यार, नहीं नया नाम बता दें। लकी के नाम से तो मशहूर है एक नया नाम जो है, मीठा झूठा। मीठा झूठा आज ये टाइटल होगा इस वीडियो का, मीठा झूठा। और आप लोगों ने कमेंट्स करके पूछना है कि ये है क्या, और आप क्या मतलब है, और आपके जहन में क्या चीजें आ रही है कि मीठा झूठा क्यों नाम रखा गया है, मीठा झूठा। और ये हमने आज नाम रखा है अल्लाह दिता भाई का, इसकी वजह है हमारे पास। अगर आपको समझना है तो वो कॉल करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन जिस भाई को समझ आ गई है कमेंट्स में लाजमी आपने बताना है। फयाज भाई जो मेहू भाई है ना, हाँ जी, उनको तो समझ लग जाएगी भाई, मेवाती हो ना जो उनसे जो जो भी भाई हो तो तमन्ने तो समझ लग जाएगी, मीठो झूठो कसू के वहाँ। ठीक है है रफाकत भाई जी, उनको पता चल जाएगा जी। बिल्कुल आपने लाजमी भाई अपना कमेंट्स में हमें लोग बताना। ये जी हमारी जुबान है, राजपूत है, मेवाती। आपको आती है मेवाती? थोड़ी बहुत भी समझ नहीं आती है? पंजाबी के कुछ नहीं, कुछ नहीं आता। हम देखो टूटी फूटी पंजाबी भी बोल लेते हैं। आप अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, उर्दू भी टूटी फूटी बोल लेते हैं। है रफाकत साहब, मेवाती जी भी गल कर लेने से इसे भी सिखा देंगे, लेकिन टाइम के मीठा झूठा क्यों रखा हुआ है हमने इसका नाम मीठा झूठा। इनका जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है ना जी, उसके पीछे बहुत सी एक लंबी हिस्ट्री है। हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे, पूरा एक ब्लॉग बनाएंगे। रफाकत साहब जी, जी क्यों नहीं। अल्लाह दिता भाई जी बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, और हंसमुख है माशाल्लाह, इनका नेचर इखलाक इतना अच्छा है, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। और बड़े मेहमान नवाज हैं, कुत्ते अच्छे नहीं होते, इसका तो बता दें अल्लाह दिता भाई। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है रफाकत भाई ने। हमारे ना तकरीबन 3 मैच हुए हैं एक सीजन में 2017 में, पाक परवाज ग्रुप के खिलाफ ना, तो एक डॉग था जुइयां वाला, यकीन मानो उसकी भी ऐसे पोस्टल थी बिल्कुल वैसे जी, तकरीबन वो हमारे 3 मैच तीनों मैचों में विनर हुआ। तो ये भी तो आप बता रहे हैं 2-टाइम चैंपियन है, वीडियो है जी। मैच तो इतना अच्छा लड़ा है ना साहब, अच्छा लोग कहते हैं ये जैसे देसी कुत्तों की दुमे होती हैं ये ऐसी है। अच्छा ये ऐसी दुम क्यों हो जाती है इनकी वजह? नस्ल के हिसाब से होती है, पीछे से कोई चलती हुई आ रही होती है ब्लड, जो कुत्तियां पीछे बच्चे डाल देती हैं। जो बाप था उसकी बिल्कुल सीधी थी, ब्रीक पूछे। अच्छा जिद्दी के जो बच्चे हैं ना जी,
उसकी पूछल भी ऐसी हुई है, एक ही बच्चा बचा है उसका। असल में जिद्दी का फिर माँ की तरफ को होगा, पीछे उसके दो भाई भी हैं, जिद्दी के बच्चे भी हैं, किसी की भी इस तरह नहीं है। इस तरह की नहीं है, उसकी भी इसी तरह पूछल है जैसे इसकी है ना, सेम ऐसी ही है उसके भी, माँ की तरफ हो। शायद ऐसा हो सकता है। मेरा दोस्त है अरशद, घर का जानवर है, चट्टा ग्रुप से जो है अरशद, जबरदस्त। हमने भी उनके अपने बाप की जैसा सेम कलर, सेम बाप जैसा ही। अच्छा, ये पांच इसके नाखून है, चार होते हैं पीछे, इसको जिसको छांगा कहते हैं। इसकी कोई होती है कोई अच्छी खूबी कोई कुत्ते में? कहते हैं नस्ली होते हैं, जहर असर नहीं करता इन पे, बस ऐसा ही है। ये हकीकत है बात? ये ना हमारे पास ना एक डॉग लिया था तकरीबन तो 3 माह पहले जी, वो भी इसी तरह छांगा था, उद्दू है कुत्ता था ये बावला, उसके साथ तकरीबन को तपड़ी हो गई, मतलब वो मार भी दिया बाद में, तो क्या उसके असर नहीं हुआ था, पता नहीं क्या था कुत्ते को, कोई वैक्सीन गाँव था वैक्सीन भी नहीं लगी। अल्लाह जी, तब भाई अक्सर लोग हम कहीं पे भी रफाकत, हम इतनी जगहों पे जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो कहते हैं छांगा कुत्ता उसको जहर असर नहीं करता, जहरीली कोई चीज़ काट ले उसको तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता किसी को। तो अल्लाह जी, तब भाई के पास है जो ज़िद्दी था उस कुत्ते के भी छांगा था वो भी, और प्यारा डॉग है जी। और ये मैच पे रेडी है इस सीज़न पे? हाँ जी, इंशाल्लाह। कितने मैच हैं इस सीज़न आपके? चार मैच हैं, ज़बरदस्त। ओके जी नाज़रीन, आपको अल्लाह दीता भाई की गुफ्तगू और हंसी मजाक होना चाहिए ना अल्लाह दीता भैया से, लोग बोर हो जाते हैं कि भाई कौन सा कुत्ता है, क्या ब्लड लाइन है। रफाका साहब ऐसा ही नहीं है, चेंज करें हम थोड़ा सा, हम अपना नाम दिख रहा है वो पता नहीं क्या, हाँ मीठा झूठा, ये तो हकीकत है। हैं जी अल्लाह दीता भाई, जितने आप क्यूट है ना माशाल्लाह, उतने क्यूट आप झूठ बोलते हैं माशाल्लाह जी। ऐसे भी अल्लाह की चले जी, वादे करके, हाँ जी, वादे वफा नहीं करते। हाँ जी, आप इसने कहा था रफाकत भाई आप गवाह हैं जी, बिल्कुल। अच्छा रफाकत साहब, हमारे नाज़रीन को कुछ ये रिक्वेस्ट कर दें जी, आप भी कर दें, आप भी कर दें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करें यार, सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि फयाज भाई बहुत अच्छे ने, बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा जी, रिक्वेस्ट है कि लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तो सर ए भी दस दूँ, मेरा ख्याल है आपको चार दफ़ा मेरे पास आए, आपकी मेहरबानी। वैसे मिलने तो आप काफ़ी दफ़ा हैं, कभी भी इस तरह नहीं हुआ, अलबत् आपने तोहफा दिया है वो आम ला के दिए हैं मुल्तान के, शुक्रिया आपका। वो जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, हूर खान, उनके बाग हैं जी, आपको आम अभी ईद के बाद वाइट चौंसा खिलाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो रफाका साहब आप भी कुछ कह रहे थे, एक मैच कर सकते हैं किस बात पे? हाँ जी, आम जिसने खाने, हाँ। भाई वो खान साहब कहेंगे जी बस ठीक है जी, दूरों दूरों सलाम दुआ रखो तुसी, मैं आम सारे तानू भेज दें है अल्लाह दीता भाई। हाँ जी, कोई उंगली पकड़ाए ना तो हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। चले जी, खुश रहें, जा रहे हैं जी, आबाद रहें, और अच्छे लफ्ज़ों में जी एक दूसरे को याद रखें, शौक शिकार भाइयों से ही होता है जी, और रल मिल के शौक करें तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। नफसा नफसी का दौर है, किसी के पास टाइम नहीं होता, ये वाहिद ऐसा बुली कुत्ते का शौक है जिससे मोहब्बत बढ़ती है। और एक बात है जी, आपसे तकरीबन बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई, दिल चाहता है कि आपसे बातें करते रहें, आपसे मिलते रहें। ये तो आपने फिर मीठे वाला काम कर दिया ना जी। दिल से सच निकला। अच्छा जी नाज़रीन, इनकी बातों पे बिल्कुल नहीं जाना आपने, जितने क्यूट ये खुद हैं उतनी क्यूट इनकी बातें हैं, तो प्लीज धोखा नहीं खाना आपने, ठीक है जी। तकरीबन सब दोस्तों को पता है कि कैसा है। अच्छा, हम आपके दुश्मन है? नहीं, जी। तो इंशाल्लाह जी, चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें वीडियो को, और फिर बस यही है कि हमें मजा आता है काम करने का ना, अच्छे से अच्छा शौक दिखाने का। अब आप कितनी महंगाई का दौर है, आप यकीन करो मैं अगर महीने में 10 चक्कर लगाऊं ना तो मेरा 2 लाख का खर्चा आता है। आप मेहनत करते हो, बहुत दूर तक जाते और बहुत पैसा लगा रहा हूँ जी, गाड़ी भी मेरा ख्याल आपकी नहीं है, बहुत ज्यादा दफा इस तरह हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं आपके, ऐसे ऐसे ही है की खातर बहुत दूर तक जाते हो, तो आपको कामयाबी दे, हंसता बसता जी, जिस तरह आप ऐसे मजाक कर रहे हैं मैं तो कहता हूँ आप हर रोज आके किया करें। ठीक है जी, खुश रहें। रफाकत साहब कुछ बात आ रही थी आपको, मैं ये कह रहा था ये अलता भाई तो मीठा झूठा तो यही बात कर रहा था, वो हम गए थे ना उधर कहाँ पे
शूज खरीदने के लिए एक शॉप पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पठान कह रहा था।